कटनी पहुंचे खजुराहो। कटनी संसदीय क्षेत्र से सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट अभूतपूर्व है। बजट के माध्यम से मजदूर, किसान, व्यापारी सबका ध्यान और सम्मान रखा गया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि आगामी 25 वर्षों को देखते हुए बजट बनाया गया है। एक बड़े विजन का बजट है, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। किसान और उद्यमियों को संबल देने वाला ये बजट है। गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाला बजट है। भारत को विकास अनुकरणीय मॉडल बनाया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमने गरीबी हटाओ नारा नहीं दिया, बल्कि गरीबों का जीवन बदलने का संकल्प लिया है। लेकिन केंद्र के ओपनिंग के समय यहां कुछ उल्टा ही हुआ। दरअसल भाजपा नेत्री चित्रा शर्मा जब अपनी समस्या लेकर जनसुविधा केंद्र पहुंची तो उन्हें देखते ही सांसद भागते हुए नजर आए। दरअसल श्रीमती चित्रा शर्मा समदड़िया सिटी स्थित निवास पर कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज न किए जाने की शिकायत सांसद के पास लेकर पहुंची थी। श्रीमती शर्मा ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और बाहर के कक्ष में खड़े होकर इंतजार करने लगी। चित्रा शर्मा यहां भी नहीं रुकी और बाहर गेट की ओर जा रहे सांसद के पीछे पीछे अपनी बहू के साथ हाथ में आवेदन लेकर दौड़ती रही। आखिरकार सांसद ने बिना उनकी ओर देखे आवेदन ले लिया। इस तरह पहले ही दिन सांसद जनसुविधा में केंद्र भाजपा नेत्री चित्रा शर्मा को अपमान का घुट पीना पड़ा। तो आत्मनिर्भर भारत के बजट में जिस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी से लेकर के उस प्रकार के लोगों को काम के अवसर कैसे मिलेंगे, ये भी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो की और इस बजट के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत के बजट को ताकत देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में पूंजीगत व्यय 2022-23 के लिए 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो इस बजट के अंदर ऐतिहासिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने निर्णय लिया है। आप सब लोगों को ध्यान में कि 2022-23 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत आगामी समय में 80 लाख और घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए हैं। जो मैंने कहा कि गरीबों का जीवन बदलने का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बजट में फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में अधिक राशि के आवंटन के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में बड़ा कदम इस देश के अंदर उठाया है। जो आपने देखा होगा कि रोड कनेक्टिविटी जिस गति से इस देश के अंदर बढ़ी है, चाहे वो हाईवेज होंगे, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, ये तो ऑफिस में लाया आपको दे रहे हैं। समय का ध्यान रखना है। जी 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 भाई, ये इसका ये भी है, ये भी है, विकास भी है, विकास भी। इस समय बजट जो है ये आम गरीबों के हितों का बजट है। उसमें जो चीजों की जरूरत है उन सारी चीजों को करने का प्रयास सरकार ने किया और गंभीरता से किया। तो कटनी के लिए एक और केंद्रीय विद्यालय के लिए बोला था, आ रहा है जल्दी आ रहा है। प्रोसेस पूरी हो गई है और मुझे लगता है कि ये सौगात आपको मिल जाएगी। यूपी चुनाव से राम के नाम पे है, लेकिन कटनी का राम मंदिर दीवार के पीछे है। कटनी स्टेशन इसकी मांग लगातार हो रही है। कटनी को बहुत कुछ मिला है। रेलवे के अंदर तो 1201 करोड़ का जो प्रावधान मिला है उसमें कटनी का महत्वपूर्ण योगदान बनेगा उसके माध्यम से रेलवे के बजट से। एक और भी कई प्रकार की जो चीजें हैं उसमें अपने क्षेत्र को, मेरे संसदीय क्षेत्र को तो बहुत मिला है जी, 1166 करोड़ मिला है। तो इसलिए जो रेलवे का बजट है वो यहाँ के कई प्रकार की चीजों में हमको लाभान्वित वो करें।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।